आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ में करीब 3 दशकों से लगातार लगते आ रहे हिंदू नवसंवत्सर मेला इस बार 7 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से कोहिनूर मंच नुमाइश मैदान में लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए नववर्ष अभिनंदन एवं मेला आयोजन समिति के संयोजक विशाल अग्रवाल जटारी, सर्व व्यवस्था प्रमुख संदीप बैटरी वालों ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को बताया कि मेले में दोपहर 2 बजे से महिला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेहंदी, केश सज्जा, थाल सज्जा आदि की प्रतियोगिता होगी, जिसकी व्यवस्था में रुचि गोटेवाल, सुलक्षणा शर्मा, पल्लवी नवमान रहेंगी। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा नववर्ष जो सूर्योदय के साथ आरंभ होता है, वो नववर्ष जो 31 दिसंबर को समाप्त होता है और 1 जनवरी को शुरू होता है, जो कि अंधेरे में शुरू होता है, उस सबको भुलाकर यदि हम इसको याद रखें, हमारे सारे शादी विवाह पुण्य कर्म सारे काम इसी नववर्ष के हिसाब से होते हैं, इसी कालगणना के हिसाब से होते हैं। इसलिए इस नववर्ष को अति उत्साह के साथ सारा हिंदू समाज मनाए, उसको ध्यान में रहे कि नववर्ष कब आता है। थोड़ा सा टेक्निकल है कि कब आता है याद नहीं रहता, कभी मार्च में आता है, कभी अप्रैल में आता है। इसलिए सरल तरीका ये है कि गर्मियों में आने वाले 9 दुर्गों का पहला दिन ही अपना नववर्ष है। हम नववर्ष मना रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, उन सब कारणों को हमने लगभग 25 वर्षों से हम ये मेला लगा रहे हैं। और इस मेले को लगाने का उद्देश्य, क्योंकि पूरी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, इसको आज विश्व मान रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की नासा ने भी ये साबित कर दिया है कि हमारा जो नववर्ष है, हमारे सूर्य चंद्रमा इसी नववर्ष, हमारे इसी नववर्ष की गणना से ही चलते हैं। वो जो दिसंबर मास में जो नववर्ष मनाया जाता है, उसका विशेष कोई औचित्य नहीं है, वो ठंड से मनाकर ठंड में ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे इस नववर्ष की शुरुआत में आप देखेंगे प्रकृति का बिल्कुल परिवर्तन, एकदम से प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। आपने देखा होगा कि ठंड से और एकदम बसंत की ओर हम लोग आ रहे हैं, यानी कि प्रकृति भी इस नववर्ष को मनाती है। ये कार्यक्रम कब, कहाँ, कैसे आयोजित किया गया और क्या क्या विशेष रहेगा इसका? ये कार्यक्रम 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार दोपहर 2 बजे से कोहिनूर मंच आपके नुमाइश मैदान पर रहेगा। इस कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रहेंगी, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता है, रूप सज्जा प्रतियोगिता है बालकों की, और थाल सजाओ प्रतियोगिता, ऐसे ही रंगोली प्रतियोगिता है। ऐसे 4-5 प्रतियोगिता हम लोगों ने रखी है। ये अपनी जो छोटी छोटी बेटियां हैं, ये इनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी है। इसके पश्चात 4 बजे से लेकर, और मेले का उद्घाटन सत्र रहेगा, उद्घाटन सत्र के पश्चात अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले में रहेगा, जिसमें अपने शिशु मंदिर और अपने जो शिशु मंदिर विद्या मंदिर हैं, ऐसे 6 अपने विद्यालय, उनकी एक एक प्रस्तुति रहने वाली है। अच्छी प्रस्तुति रहेगी, हिंदुत्व की प्रस्तुति है। इसके पश्चात कुछ जो डांस एकेडमियां हैं, लगभग ऐसी 12-15 डांस एकेडमियां जो अलीगढ़ की शान है, अलीगढ़ को माने पूरे भारत में एक विश्व प्रसिद्ध बनाती हैं, ऐसा अपनी प्रस्तुति वो लोग प्रस्तुत करेंगे। और उसके पश्चात भारत माता और हनुमान जी की आरती, ऐसा 7 बजे हमने कार्यक्रम रखा है। भव्य भारत माता का चित्र होगा, और ऐसी हमारी सब लोगों का प्रयास है कि भारत माता की आरती सब पूरे विश्व में, क्योंकि आज भारत माता हमारी विश्व गुरु बनने की ओर है, तो विश्व में भारत माता का परचम लहराए और भारत माता अग्रणी हो, ऐसी हम सब लोगों की कामना है। इसके पश्चात अपनी भजन गायिका पूजा गोलानी, जो जिन्होंने भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम ऐसा गीत गाया है और प्रधानमंत्री जी से पुरस्कृत भी है, वह आएंगी और अपना गायन प्रस्तुत करेंगी। ये कार्यक्रम लगभग 8 बजे से और रात को 10:30 बजे तक रहने वाला है। बड़ा ही मनोहारी दृश्य होगा, अच्छे अच्छे व्यंजन आपको खाने को मिलेंगे, और इसके बाद में बच्चों के लिए झूले हैं, बड़े अच्छे अच्छे उपहार हैं। हमने उपहार की भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, 110 उपहार एक केवल 10 रुपये के कूपन पर, 10 रुपये का कूपन आपको खरीदना है, और उस 10 रुपये के कूपन पर 108 बड़े बड़े उपहार हैं। पहला फ्रिज है, दूसरा अलमारी है, बड़ी अलमारी है, टीवी है, टीवी LED है, उसके बाद में वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उपहार हमने पिछली बार भी, जैसे आपने देखा होगा,
एक महिला, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। पिछली बार एक महिला रिक्शे में जा रही थी, तो रिक्शे में जाते समय उनके पास 10 का नोट कम पड़ गया था, तो उन्होंने एक टिकट और रिक्शे वाले को दे दी, और रिक्शे वाले ने कहा मैं क्या करूंगा इस टिकट का, लेकिन उस माँ ने उस रिक्शे वाले से कही तू ये रख ले केवल, और जाके केवल इस टिकट को उस मेले में डालेगी। पता नहीं ईश्वर की कैसी कृपा रही, उस टिकट को उसने रिक्शे वाले ने और मेले के ड्रॉप बॉक्स में डाला। उस टिकट के जरिए उस रिक्शे वाले की वॉशिंग मशीन निकली, बड़ा गदगद। उसको जब हमने फ़ोन किया तो उसको यकीन ही नहीं हुआ, उसको लगा कोई ऐसी फ्रॉड है जो हमें बोल रहा है। लेकिन जब वो आया तो आंसुओं से भर गया था, क्योंकि उसको उस समय वॉशिंग मशीन प्राप्त हुई थी। आप समझ लीजिए, जिस रिक्शे वाले को जो अपना जीवन यापन रिक्शा चला के कर रहा है, उसको एकदम से एक ही रात में और वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ मिल जाए, तो उसका क्या उसका मन होगा, मनोभाव कैसे होंगे। तो इसलिए मेरा आप सभी से, पूरे हरिगढ़ वासियों से ऐसा आग्रह है कि इस मेले को भव्य दिव्य बनाएं, और इस मेले में आकर अपने लिए उपहार की, और इस मेले को मेले में अपने लिए और स्वयं के लिए और हिंदू समाज के लिए और हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए अधिक से अधिक इस मेले में आए। धन्यवाद।